हेलो गाइस, अगर आप फोन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप 2 मिनट से कम टाइम में फोन पे पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब अगर बात करें फोन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन के अंदर जाना है। आपको मोबाइल नंबर, वहां से सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछा जाता है। मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो एंड उस नंबर पे रिचार्ज प्लान एक्टिव होना चाहिए। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, देन आपके पास एक ऑटोमेटिक SMS आएगा। SMS वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड बैंक अकाउंट का। ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको बहुत सारे बैंकों का नाम दिखेगा। जैसे जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो, यहाँ पे आपको SIM 1 SIM 2 चूज करने का ऑप्शन होगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने सिलेक्ट किया, वो जिस भी सिम स्लॉट में है उसको सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे, एक ऑटोमेटिक SMS सेंड हो जाएगा एंड आपका बैंक अकाउंट में जो भी आपका नंबर है वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आपको यहां पे एंटर करना होता है आपका डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट। जी, जिस बैंक का अकाउंट है उसका लास्ट का 6 डिजिट डालना है डेबिट कार्ड का एंड डेट ऑफ एक्सपायरी डालना है। ओवर द कॉल आपको किसी को भी ये डिटेल शेयर नहीं करना है एंड ये डिटेल्स एंटर करके जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, एक OTP आएगा बैंक के तरफ से जो कि ऑटोमेटिक कैप्चर होता है, या तो आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। देन आपको 4 से लेकर 6 डिजिट का आपको पिन सेट करना होता है। पिन अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, किसी बैंक का 4 डिजिट का होता है, किसी बैंक का 6 डिजिट का होता है। वो आपको सामने लिखा होगा कि 4 डिजिट का पिन होगा या 6 डिजिट का। एक बार आप पिन एंटर करके नेक्स्ट करेंगे, आपको कंफर्म पिन का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी दोबारा उसी पिन को आपको डालना है, कंफर्म करना है एंड आपका पिन सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, आप सिंपल सा किसी भी तरह का QR कोड, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकते हो। अमाउंट डालना है, नेक्स्ट करना है, आपने जो पिन सेट किया है उसको याद रखना है। पिन को एंटर करके आप जैसे ही ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बैंक से पैसा डेबिट हो जाएगा एंड ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जैसे कि आप फोन पे यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।